नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर से आप लोगों का यूसीआई कराला लाइव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, और उसी सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक और नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। जो पर्यावरण अध्ययन है बच्चों, एनवायरमेंटल स्टडीज जो है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली जो टीचर्स के एग्जाम है, जो अध्यापक की परीक्षाएं हैं, चाहे टीचर एलिजिबिलिटी की परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं में पर्यावरण से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पुलिस हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, या फिर अन्य जो राज्य की परीक्षाएं हैं, तो सारी परीक्षाओं में पर्यावरण से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन जो है कि क्या करते हैं, आते रहते हैं। पर्यावरण आज के डेट का सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, और इस पर्यावरण को बचा के रखना या इस पर्यावरण को संरक्षित रखना, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी पर्यावरण के संरक्षण और इसी पर्यावरण के संरक्षण के जो तरीके हैं या संरक्षण के जो प्रयास हैं, उन्हीं सब प्रयासों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आज की पहली क्लास है पर्यावरण पर। तो सबसे पहले हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्यावरण के ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, ये आखिर आए क्यों, या इनका क्यों इस तरीके से विभिन्न प्रकार की प्रदूषित गैसें हो, या विभिन्न प्रकार के जो अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे जैव विविधता में कमी का होना या ओजोन परत में छेद का होना, तो ये आखिर क्यों हो रहे हैं। इन सारी समस्याओं की हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, सबसे पहले कारणों की व्याख्या करेंगे, और उसके बाद उनसे बचने के जो भी उपाय हैं या जैसे भी हम करके उसको बचाएं, वो सारी की सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जान लो कि आज से हजारों साल पहले मानव क्रिया करता था। क्रिया का मतलब बच्चों होता है एक्टिविटी। तो हम जो भी खाने पीने के लिए या अपने शरीर से संबंधित जो भी काम करते हैं, हम उनको एक तरीके से क्रिया कहते हैं, और यह क्रिया हर व्यक्ति करता है। लेकिन यह एक्टिविटी आर्थिक क्रिया तब बनती है, आर्थिक क्रिया तब बनती है जब इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य अर्निंग मनी हो जाता है या आय कमाना हो जाता है बच्चों। तो आप यहां से समझिएगा, आय कमाने के उद्देश्य से, आय कमाने के लिए जो क्रिया हम करते हैं, उसी क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर इनकम। एक लाइन में अगर आपको समझाया जाए तो कोई भी क्रिया आर्थिक क्रिया हो सकती है। जैसे मान लीजिए घर में कोई महिला है और वो खाना बना रही है, कपड़े धुल रही है, साफ सफाई कर रही है, जो गृहिणी है, जो हाउस होल्ड महिला है, तो क्या वो जो दिन भर काम कर रही है, वो तो हमको दिख रहा है कि साफ साफ कि वो काम कर रही है, क्रिया कर रही है, लेकिन क्या उसकी क्रिया आर्थिक क्रिया के अंतर्गत या अंतर्गत कंसीडर की जाएगी? तो बच्चों नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि घर में खाना बनाना हो, चाहे घर में कपड़े धोना हो या साफ सफाई करना हो, आप समझ लीजिए कि उसको वो करने से पैसा नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए एक लाइन में, कि कोई भी क्रिया जिसको करने से हमको पैसा मिले, उसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आर्थिक क्रिया जब शुरू किया गया, पैसा कमाने का जब कॉन्सेप्ट आया, तो सबसे पहले इस मानव सभ्यता में या मानव समाज में जो आर्थिक क्रियाएं की गई, उनको प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहेंगी। तो वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाएंगी।
प्राथमिक आर्थिक क्रिया का मतलब होता है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक आर्थिक क्रिया सबसे पहले क्या होता है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से संबंधित होती हैं या प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली इंटरेक्टेड विथ नेचर, यहां पर प्रत्यक्ष इंट्रैक्शन, प्रत्यक्ष प्रक्रिया या एक तरीके से इंट्रैक्शन हम कह लें, प्रत्यक्ष प्रक्रिया प्रकृति के साथ होगी, प्रकृति के साथ, उन आर्थिक क्रियाओं को हम कहीं ना कहीं प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो मानव सभ्यता की शुरुआत में हर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के उद्देश्य से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता था वो प्राथमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था, और इस एक्टिविटी के अंतर्गत हम स्पेशली कृषि यानी एग्रीकल्चर, उसके अलावा हस्बेंड्रीज यानी पशुपालन, जो भी पशुपालन हो, भेड़ चराना, बकरी चराना, गाय भैंस पालना, तो कृषि पशुपालन, इसके अलावा मत्स्यन, मत्स्यन का मतलब बच्चों जो मछली पालन होता है, तो फिशिंग जिसको हम कह सकते हैं, और यहां पर एक चीज और हम ले सकते हैं, यहां पर वानिकी, वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्टिंग। तो यहां पर ये तीन चार इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने लिख दिया है, और इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। यहां पर एक एक्टिविटीज आजकल के इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें उनको देखते हुए एक और यहाँ पे शामिल किया गया है, और ये लेटेस्ट का है जिसको हम खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। तो ये पांच आर्थिक क्रियाएं बच्चियों, ये जो पांच आर्थिक क्रियाएं आपके सामने दिख रही है, एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्यन, वानिकी और खनन, इन्हीं पांचों आर्थिक क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं, और इन पांचों प्राथमिक क्रियाओं के कारण पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं था। यार ध्यान से समझिएगा, ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि ये पर्यावरण के साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे। तो ये कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी कि हम कृषि को कर रहे हैं, पशुपालन, मत्स्यन, वानिकी, तो इससे हमारा पर्यावरण जो है कि एक संतुलन की अवस्था में रहता था। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, प्राइमरी एक्टिविटीज, ये आप लगा लो कि मानो जब आर्थिक क्रिया शुरू करता है, पैसा कमाने का जब उसको ज्ञान होता है, तब से लेकर लगभग 1750 ईस्वी तक बच्चों, यानी 1750 एडी तक जो भी मानव था या मानव समाज था वो प्राथमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता था। तो इन प्राथमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं था, और बिल्कुल 1750 ईस्वी तक एक तरीके से हम कह लें कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल एक साफ सुथरा और स्वच्छ रूप में पड़ा हुआ था। ये जो इतनी सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो आज के डेट में 2023 में खड़ी हैं, उन सारी समस्याओं की जड़ आपको 1750 के पहले नहीं दिखेगी, यही लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1750 के पहले क्यों इन्वायरमेंट पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था बच्चों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती तो थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो सारे इन्वॉल्व होते थे इन द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में, और प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में वो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मत्स्यन करते थे और वानिकी करते थे, यही उनके मेन ऑक्यूपेशन थे, ये इको फ्रेंडली थे। अब हुआ क्या बच्चों, 1750 के बाद कहानी बदलती है। 1750 के बाद की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी थी कि इस साल पूरी दुनिया में एक क्रांति का जन्म हुआ, जिस क्रांति का नाम था औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के कारण ध्यान से समझिएगा,
इस क्रांति के कारण बच्चों क्या हुआ कि पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, या एक तरीके से कह लीजिए कि पॉपुलेशन का काफी हिस्सा प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज को छोड़कर वो सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज या द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया, द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया की ओर मूव करने लगी, या फिर एक तरीके से डाइवर्जन या शिफ्टिंग करने लगी। तो अब पूरी दुनिया में कहीं न कहीं एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखने लगी जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते थे। सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बच्चों मतलब क्या होता है, इसमें हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण हम जिसको कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम विनिर्माण कह सकते हैं, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग या कुछ भी चीज का जो प्रोसेस होता है तो फूड प्रोसेसिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गई और भी जो फ्यूल्स वगैरह हो गए, तो उन सारी चीजों का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनों का इन्वेंशन होता है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में क्या होती है, बड़ी बड़ी मशीनों का आरंभ या मशीनों का आरंभ ही लिख लेते हैं। तो बड़ी बड़ी मशीनों का आरंभ होता है और औद्योगिक क्रांति इसी को कहते हैं। और इस औद्योगिक क्रांति को 1750 में या 1750 के डिकेड में जो स्टार्ट किया गया था वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ब्रिटेन द्वारा। फिर से पूरी कहानी समझिएगा, 1750 तक कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं था, 1750 के बाद बड़ी बड़ी पर्यावरणीय इश्यू देखने को मिलने लगी। उसका मेन कारण था औद्योगिक क्रांति का आना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन के द्वारा की गई थी और इस औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होना शुरू हुआ। इन बड़ी मशीनों के उपयोग से कंस्ट्रक्शन एरिया हो, मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो, फूड प्रोसेसिंग एरिया हो, इलेक्ट्रिक या फ्यूल्स हो, इन सारे एरियाज में बड़ी बड़ी कारखाने और बड़े बड़े मशीनें लगना स्टार्ट हो गई। और जब ये बड़े बड़े कारखाने लगने लगे तो इनसे कहीं ना कहीं हानिकारक गैसें भी इन्वायरमेंट में निकलना शुरू करती हैं। तो अभी तक आपने देखा कि 1750 के पहले प्राइमरी एक्टिविटीज में कहीं भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिख रहा था, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे बहुत सारी जो है कि समस्या हमको दिख रही, और द्वितीयक क्षेत्र का रोल बहुत तेजी से इकोनॉमी में बढ़ने लगा। हर किसी को पैसा चाहिए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज होती है बच्चों वो सर्वाइवल एक्टिविटीज होती है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप अपने जीवन को सिर्फ जीवित, मतलब जीविका को आप एक तरीके से सस्टेन कर सकते हो। वहां पे आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो, अपनी जरूरतें सिर्फ पूरा कर सकते हो। अगर आपको एज ए लग्जरी लाइफ जीना है तो आपको प्राइमरी सेक्टर से मूव करके कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ आना ही होगा। और आज के डेट में तो इस सेकेंडरी सेक्टर को भी छोड़ो, टर्शियरी सेक्टर में और ज्यादा पैसा है तो लोग टर्शियरी सेक्टर में और तेजी से मूव कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यही तीन प्रकार की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम शुरू में प्राइमरी में थे, नो प्रॉब्लम, मूव किए सेकेंडरी की ओर, और सेकेंडरी की ओर मूव करने का कहीं ना कहीं पर्पज यही था, ज्यादा इनकम। और ज्यादा इनकम कमाने का मतलब कि ज्यादा बड़ा कारखाना लगाना, और जब ज्यादा और बड़े कारखाने लगेंगे तो उससे हार्मफुल गैसेज आएंगी और वो गैसेज कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्या करेंगी, प्रदूषित करेंगी। तो अब यहां पे आप कहानी समझिएगा, 1750 के बाद जब औद्योगिक क्रांति हो गई यहां पर क्या हुआ, शुरू हो गया, और इस औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े क्या हुए, कारखाने लगे, बड़े बड़े कारखाने, और इन बड़े बड़े कारखानों से क्या हुआ, हानिकारक गैस या कचरा एक तरीके से कह लो,
कचरा निकलना शुरू हुआ और ये हानिकारक गैस और कचरों के कारण पर्यावरण पहली बार प्रदूषित होना शुरू हुआ। तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण है या पर्यावरण एक सब्जेक्ट के रूप में जो लोगों के माइंड में कंसर्न होता है वो पहली बार यहीं पर होता है। अब पर्यावरण प्रदूषण में क्या हुआ कि नई नई बीमारियां पहली बार देखने को मिलने लगी। नई नई बीमारियां, ऐसी बीमारियां बच्चों जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था। ऐसी बीमारियां आती थी जिनको महामारी का नाम दिया जाने लगा। महामारी इनको इसलिए कहते थे कि ये पूरा गांव का गांव इस बीमारी में साफ हो जाता था, पूरे गांव के लोग मर जाते थे इसका। जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कोरोना आया था, कोरोना को भी एक महामारी का दर्जा दिया था भारत सरकार ने। क्या पूरी दुनिया ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था? उसका रीजन था कि कोरोना का दवा उस समय नहीं बना था। आज भले कोरोना की वैक्सीन बन गई, सब लोग ले लिए, लेकिन जब कोरोना शुरू में आया था तो उसकी दवा किसी के पास नहीं थी और कोरोना से बहुत तेजी से लोग मर रहे थे। सेम कंडीशन उस समय होता था जब कोई नई बीमारी आती थी तो उस नई बीमारी की कोई दवा नहीं होती थी और दवा के कारण बहुत सारी समस्या होती थी। दवा न होने के कारण नई नई बीमारियां, नई नई समस्याएं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पर्यावरण प्रदूषण में आने लगी। कुछ ऐसी गैसें आने लगी, कुछ ऐसे इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल चेंजेस देखने को मिलने लगे, जैसे कि अचानक से तगड़ा तूफान आ जाना, बिन मौसम बारिश हो जाना, पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगना। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसको वैज्ञानिक देख रहे थे कि 1750 के पहले तो ये सारी समस्याएं नहीं थी, तो आखिर ये सारी समस्याएं अभी क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको यही पता चला कि इन सारी कहानी के पीछे एक ही कारण है। वो कौन सा है बच्चों? वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बड़े कारखानों का जो वेस्टेज था गैस के रूप में या कचरे के रूप में, वो पर्यावरण को प्रदूषित करके इन सारी समस्याओं को जन्म दे रहा था। पूरी दुनिया को थोड़ा सा डर लगने लगा कि हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और इस डर में जो है कि एक तरीके से कहिए कि आग में घी का काम किया क्लब ऑफ रोम नाम की संस्था ने। इस संस्था के बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे। यूपीपीसीएस से लेकर डीएसएसबी टीचर्स या यूपी या अन्य राज्य के टीचर्स की परीक्षाओं में इस संस्था पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगली बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्लब ऑफ रोम। ये जो बच्चों क्लब ऑफ रोम है, यह एक संस्था है। इस संस्था को लगभग 1968 में 1968 में फाउंड किया गया था। तो इसका जो फाउंडेशन था या फाउंडेड ये कब बना था, ये संस्था 1968 में बना। और इस संस्था का सबसे बड़ा जो काम था बच्चों, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और इनके आर्टिकल का नाम था, इन्होंने एक आर्टिकल पेपर या एक तरीके से कहिए रिसर्च पेपर लिखा और इनके रिसर्च पेपर का नाम था, इनके रिसर्च पेपर का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है लिमिट्स टू ग्रोथ का मतलब कि हे दुनिया के लोग या हे दुनिया के भौतिकवादी लोग, जो पैसे के प्रति या भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति तुम इतने लालायित हुए हो, तुम अपने इस ग्रोथ को क्या करो, लिमिट लगा लो। अगर इस ग्रोथ को लिमिट नहीं लगाते तो क्या होगा कि आने वाले समय में इस धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और अगर इन समस्याओं को काउंटर करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय अपने पास है। जिस ग्रोथ के पीछे हम अंधे होकर भाग रहे हैं, सारी दुनिया, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई भी देश हो, वो जो इस अपनी ग्रोथ के पीछे, सामान बनाने के पीछे, दुनिया में पैसा कमाने के पीछे जो सारे पागल हुए हो, वो तुम नहीं अगर उस पर लिमिट लगाओगे तो कभी ना कभी हमारी पृथ्वी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी।
इस निबंध को 1971 और 72 के बीच पब्लिश किया गया। 1971-72 में यह रिसर्च पेपर पब्लिश होता है क्लब ऑफ रोम का, जिसका नाम होता है लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पेपर को पूरी दुनिया पढ़ती है और पूरी दुनिया पढ़कर एक तरीके से डर में आ जाती है। उनको लगता है कि यार ये तो, और वास्तव में इस पेपर में बच्चों ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई थी कि अगर कोई भी समझदार आदमी इसको पढ़ लेगा तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि नाम ही पेपर का है लिमिट्स टू ग्रोथ। ग्रोथ को लिमिट करो, बहुत ज्यादा हाई हाई मत करो, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे मत भागो या बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे मत भागो, यही इस पेपर का मूल मंत्र था। अगर हमको इन्वायरमेंट बचाना है तो इन्वायरमेंट के लिए अपने ग्रोथ को लिमिट करना। पूरी दुनिया इसको पढ़ती है, पढ़कर सब सौंप डर जाते हैं। अब जब डर जाते हैं तो इनको लगता है कि यार कुछ तो करना होगा। पर्यावरण वास्तव में आज के डेट में एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि 1750 के पहले तो पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं था। आखिर 1750 के बाद अभी ये समस्याएं क्यों हो रही हैं? क्यों ये नए नए टाइप के तूफान समुन्द्र में आ रहे हैं? क्यों महासागरों का जलस्तर बढ़ने लग रहा है? क्यों पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है? क्यों जिस समय सर्दी आनी चाहिए उस समय गर्मी आ रहा है, और गर्मी जिस समय जानी चाहिए उस समय, मतलब मौसम कुल मिला जुला कर जलवायु क्यों चेंज हो रहा है? तो ढेर सारी समस्याएं थी। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर रहे थे, विलुप्त कर रहे थे। तो इन सारी समस्याओं के हल के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया एक मीटिंग करती है, और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टॉकहोम में। पूरी दुनिया स्टॉकहोम में इकट्ठी होती है, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है बच्चों। पूरी दुनिया आप याद रखिएगा, ये वही शहर है जिसमें पर्यावरण के लिए पहली बार पूरी दुनिया इकट्ठी होती है। वो तारीख 5 जून 1972, ये तारीख बिल्कुल नहीं भूलना है। यही वो तारीख है जिस तारीख पर पहली बार पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने के लिए इकट्ठी होती है, 5 जून 1972। कहां पर इकट्ठी होती है? स्टॉकहोम स्वीडन में। यहां पर बच्चों दोनों टाइप के देश पहुंचते हैं, अमीर भी पहुंचते हैं, गरीब भी पहुंचते हैं। सारी दुनिया को इनवाइट किया जाता है कि आओ भाई। यूएनओ ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, यूएनओ के बिहाफ पर ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। अमीर देश गरीब देश हर कोई पहुंचा इस मीटिंग में, स्टॉकहोम की मीटिंग में। अमीर देशों का काम था यहाँ पे डिस्कस करना कैसे पृथ्वी को बचाएं, कैसे पर्यावरणीय समस्याओं को खत्म करें। गरीब देशों का काम यहाँ था कि उनकी विचारों को सुने और उनसे पैसा टेक्नोलॉजी समय समय पर लें और पृथ्वी को बचाने में मदद करें। दोनों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीर ही धरती को बचाएंगे, गरीब भी बचाएंगे। गरीब के पास पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अमीर उनकी मदद करेंगे और फिर सब मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। अमीर गरीब दोनों पहुंचे। हमारे देश की तरफ से भी इंदिरा गांधी यहाँ पर पहुंची। हमारे देश की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भी यहां पर पहुंची भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हुए। इस पूरी मीटिंग में एक बात बच्चों निकल कर आई थी, स्टॉकहोम के स्वीडन में जो ये मीटिंग हुई थी, स्वीडन के स्टॉकहोम में, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई थी कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूशन। ये एक तरीके की लाइन थी, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप समझ रहे होंगे कि गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है।
गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। अगर हमको पर्यावरण को खत्म करना है तो किसको खत्म करना होगा? गरीबी को खत्म करना होगा, रिड्यूस करना होगा पॉवर्टी को। आप आज भी देखते होंगे कि अगर आप किसी अमीर के मोहल्ले में जाएंगे, अमीर लोगों के, और फिर एक बार आप गरीब लोगों के मोहल्ले में जाइए या कॉलोनी में जाइए, बस्ती में जाइए, आपको ज्यादा गंदगी कहां दिखेगी बच्चों? जो अमीरों का कस्बा टोला मोहल्ला होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, वो बिल्कुल उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन रखते हैं। दूसरी तरफ जो गरीबों के मलिन बस्तियां, झोपड़ियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय समस्याओं के पीछे गरीबी एक बड़ा फैक्टर था। और इस पूरे मीटिंग में ये लाइन डाली गई थी कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूशन। तो इंदिरा गांधी जब इस मीटिंग में थी तो उन्होंने एक बात जरूर समझ लिया था कि अगर हमको प्रदूषण खत्म करना है या पर्यावरण को बचाना है तो पॉवर्टी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना होगा। और जैसे ही इस मीटिंग से इंदिरा गांधी वापस आती हैं बच्चों, तो वो 1974 से 78 के बीच इंडिया में वो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करती हैं। और इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो सबसे बड़ा स्लोगन उन्होंने दिया था इस पंचवर्षीय योजना में, वो गरीबी हटाओ का ही था, गरीबी हटाओ। ये बहुत बार पेपरों में पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत में किसने दिया था? वो दिया था इंदिरा की सरकार ने। और इंदिरा की सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? वो पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसको एक साल पहले समाप्त कर दिया था जनता सरकार ने 1978 में ही। ये एक्चुअल में ये प्लान 1974 से 79 का था, लेकिन जनता सरकार जब आती है तो इंदिरा को हटाकर वो इस प्लान को भी एक साल पहले खत्म कर देती है। और यहां पर एक चीज आप बिल्कुल समझ लेना कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ यही से समझकर वो आई थी मीटिंग से और इन्होंने दिया। इस मीटिंग में और क्या निकल कर आया बच्चों? इस मीटिंग में एक संस्था बनाई गई, ये जो स्टॉकहोम में जो ये मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में एक संस्था भी बनाई गई। और इस संस्था को दो क्वेश्चन दिया गया स्वीडन की इस मीटिंग में बच्चों, 5 जून 1972 को पर्यावरण से रिलेटेड पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम रखा गया इन्होंने यूनेप। तो यूनेप का यहां पे फॉर्मेशन होता है, एक तरीके से कह लो यूनेप की स्थापना होती है। और ये जो यूनेप है, यूनेप का फुल फॉर्म है बच्चों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बनाया, आज के डेट में पूरी दुनिया में पर्यावरण से रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था है, इस यूनेप का हेडक्वार्टर इन्होंने रखा नैरोबी में। और इस यूनेप को बच्चों यहां पर दो काम दिया गया इस मीटिंग में। यूनेप से बोला गया कि अब पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है, क्योंकि आपसे बड़ी संस्था कोई नहीं है। और हर साल यहां पर यह भी डिक्लेयर किया गया कि हर साल पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक डेट मनाएंगे जिसको कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। आज भी देखोगे इस साल भी हर साल आपको विश्व पर्यावरण दिवस मिलेगा देखने को। विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है बच्चों, वो आप याद रखना हर साल 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून ही वो डेट है 1972 का जिसमें पहली बार पूरी दुनिया पर्यावरण के मुद्दे पर इकट्ठी होती है। इस मीटिंग में बच्चों यहां पर क्या किया गया, जो दो क्वेश्चन यूनेप को दिया गया, क्योंकि यूनेप को ही पर्यावरण से संबंधित सबसे बड़ी संस्था बना दी गई। यूनेप से बोला गया कि तुम अपना हेडक्वार्टर नैरोबी में बनाओ। नैरोबी जो है कि केन्या नामक देश की राजधानी है,
तो ये लोग नैरोबी में बैठ गए और इनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि पर्यावरणीय पर समस्याओं का जिम्मेदार कौन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन, जो भी पर्यावरण की समस्या हो रही है इन सारी समस्याओं के पीछे आखिर है कौन, हु, किसके कारण ये सारी समस्या हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, और अगर समस्या है, जो जाहिर सी था कि दिख रहा था समस्या, तो अगर समस्या है तो समस्या क्या क्या है, ये जो समस्या है तो समस्या क्या क्या है। यहां पर दो क्वेश्चन आपसे इन्वायरमेंटल, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूएनडीपी से पूछ लिया गया, यूएनडीपी से बोला गया कि तुम सबसे पहले ये बताओ कि इन सारी पर्यावरणीय समस्याओं का जिम्मेदार कौन है, और अगर जिम्मेदार कोई निकलता है तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुमको उत्तर देना है कि आखिर इन सारी पर्यावरणीय समस्याओं के पीछे सारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको आप लिस्ट आउट करो कि ये पर्यावरणीय समस्या है। तीसरी चीज यहां पे, एक इनका समग्र सोल्यूशन बताओ, या एक तरीके से आप इनका समाधान करो कि आखिर इन सारी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान क्या होगा। तो आप ऐसे ही इसको समझिए, जिम्मेदार कौन है, समस्या क्या क्या है, और इनका ओवरऑल समाधान क्या है। ये तीन प्रश्न दे दिए गए यूएनडीपी जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप को। यूनेप इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने लगा, धीरे धीरे जवाब मिलते रहे, सब कुछ होता रहा, चल रहा था, और भी लोग पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम काम कर रहे थे, कुछ नई चीजें भी निकल कर आ रही थी। लेकिन जो यूनेप ने ऑफिशियली क्या किया, 1992 में यूनेप ने 1992 में पूरी दुनिया को नोटिस दिया, या पूरी दुनिया को एक तरीके से इनवाइट किया कि आ जाओ भाई, जो क्वेश्चन आपने 20 साल पहले हमको दिया था कि ये 1972 में ये सब आप ढूंढ कर बताओ, उन सारे सवालों का जवाब रेडी है, सब कुछ अब मेरे पास रेडी है, अब आओ सब लोग एक बार फिर मिलकर बात करते हैं। तो यूनेप ने क्या किया 1920 में, ये 20 साल के बाद, बच्चों 20 साल लग गए थे, 20 साल के बाद कहानी फिर स्टार्ट होती है यूनेप की, और 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। बच्चों ये जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये 1992 में ब्राजील के खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित होता है। तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का शहर है, वहां पर पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाती है और पूरी दुनिया के सामने यूनेप अपना काम स्टार्ट करता है। यूनेप को जो जो काम दिए गए थे, अब वो उन कामों को बकायदा यहां पे बताना स्टार्ट कर। सबसे पहला क्वेश्चन यूनेप से पूछा गया था 1972 में कि सारी पर्यावरणीय समस्याओं के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, तो यहां पर एक नाम निकल कर आया, एक प्रजाति। यूनेप ने कहा कि भाई दुनिया में लाखों स्पीसीज हैं, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, कछुआ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मानव है, कोई पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है सिर्फ एक प्रजाति को छोड़कर, यानी इन सारी पर्यावरणीय समस्याओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति है और उसका नाम है मानव। मानव अपनी लालच के लिए, मानव पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, सुख सुविधाओं के लिए इस पूरे पर्यावरण को, या एक तरीके से कह लीजिए इस पूरी प्रकृति को छेड़ डाला है, एकदम प्रकृति को बिल्कुल विध्वंस प्रकृति का कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो जंगल काट रहा है, कहीं ना कहीं वो जीव जंतुओं को मार रहा है, तो समस्याएं बढ़ रही हैं और उन सारी समस्याओं का इकलौता जिम्मेदार अगर कोई है तो मानव, यानी अगर मानव सुधर जाए तो लगभग 90% पर्यावरणीय समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। उसके बाद इससे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ प्रॉब्लम्स क्या क्या है,
आखिर मानव, चलो ठीक है मानव ने समस्याएं पैदा की हैं, तो वो मेन मेन समस्या को जरा लिस्ट आउट कर दो आप। तो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट आउट करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ी समस्या तो है जलवायु परिवर्तन की, हमारा धरती का क्लाइमेट ही बदल रहा है, मौसम बदलता तो टेंशन नहीं था, इन मानवों ने अपनी हरकतों से क्लाइमेट को चेंज कर दिया है। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लाइमेट चेंज, बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बस आप यहाँ पे पॉइंट देखो कि आखिर ये क्या क्या समस्या निकल कर आई। इस क्लाइमेट चेंज के बाद दूसरी समस्या, हम लोग लगातार अपनी धरती को गर्म किए जा रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में टीवी में देखते होंगे, बोलता है 2022 अब तक का सबसे गर्म वर्ष, 23 में लिखेगा 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष, 24 में लिखेगा 24, यानी हर साल कहीं ना कहीं जो गर्मी है हमारे देश की वो बढ़ती जा रही है। और जब ये गर्मी बढ़ रही है तो इसके कारण समस्याएं आ रही हैं। तो दूसरी जो समस्या है, जो पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कह सकते हैं। ये दूसरी समस्या है पर्यावरण से रिलेटेड। तीसरी समस्या, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बहुत सारे जीव जंतु इस बदलते क्लाइमेट में, बढ़ते तापमान में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हम मानो तो अगर तापमान बढ़ेगा तो एसी पंखा सब लगाकर हम अपना जो है कि कूलर लगाकर अपने टेम्परेचर को, कमरे के टेम्परेचर को कम कर लेंगे, लेकिन इन जीव जंतुओं को गर्मी लगेगी तो ये कैसे बचेंगे? तो कहीं ना कहीं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर ये मरेंगे। तो ये जो लगातार विलुप्त हो रहे हैं या इनकी संख्या जो लगातार कम हो रही है, वो हमारे पर्यावरण की तीसरी समस्या है, जिसको हम कहेंगे जैव विविधता में कमी। ये हमारी तीसरी समस्या है, लगातार बायोडायवर्सिटी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग इन बायोडायवर्सिटी लेवल। अगली जो समस्या है बच्चों यहां पर पर्यावरण का, जो यूनेप ने यहां पे गिनाना स्टार्ट किया था, उन्होंने बताया कि ओजोन परत भी अब सुरक्षित नहीं है। मानव ने क्या किया है, ओजोन परत जिसको हम पृथ्वी का छाता कहते हैं, पृथ्वी का अम्ब्रेला, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, सेफ्टी कवर है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणों को ऊपर ही रोक लेता है, उस ओजोन लेयर को भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डिप्लेट कर दिया, उसमें भी डिप्लेशन कर दिया, छेद कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस ओजोन परत की भी समस्या, एक बड़ी समस्या हमारे सामने पर्यावरण से निकल कर आ रही है। तो ये यूनेप ने चौथी समस्या बताया, ओजोन परत में छिद्र या छेद। अगली समस्या इन्होंने बताया कि जितने उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों से जो हानिकारक गैसें निकल रही हैं, वो गैसें वायुमंडल में जा रही हैं, वायुमंडल में पानी के साथ मिल रही हैं, एसिड बना रही हैं, फिर धरती पे गिर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एसिड रेन बहुत तेजी से इस धरती पे बढ़ रहा है। तो अगली समस्या जो निकल कर आया यहां पर, वो आया अम्लीय वर्षा। बहुत तेजी से अम्लीय वर्षा इस धरती पे बढ़ रही है, इससे बहुत सारे जो सफेद बिल्डिंग है, स्पेशली हमारा जो ताजमहल है, वो पीला हो रहा है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं इसमें। इसके अलावा एक और समस्या यहाँ पे जो बच्चों निकल कर आई, वो प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन का मतलब होता है बच्चों कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनका शरीर चूने पत्थर का बना होता है, और ये जूज एंथले नामक शैवाल के साथ सहजीविता में समुद्र में रह रहे हैं और काफी रंग बिरंगे हमको दिखते हैं। जब आप उसमें किसी मूवी वगैरह में, वीडियो में देखेंगे तो आपको प्रवाल विरंजन दिख जाएंगे। और ये जो प्रवाल विरंजन होते हैं, ये प्रवाल विरंजन में आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड देखना बच्चों, ये है आपका प्रवाल विरंजन। ये आपको समुन्द्र के नीचे ऐसी आकृतियां आपको बहुत सारी दिखेंगी, देख रहे हो ना, जैसे ये देखो, ये इस तरह की जो आकृतियां आपको समुन्द्र के अंदर दिखती हैं, यही है कोरल रीफ, इसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसमें ये जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं, ये एक वनस्पति है और ये समुन्द्र के अंदर जिस जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं, या एक तरीके से कहिए जिस जगह पर ये खड़े हैं, वो एक प्रकार का जीव है जिसका शरीर चूने पत्थर का बना होता है, कोरल।
ये दोनों अपना मोह से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग इनकी दोस्ती देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग लगातार धरती गर्म कर रहे हैं, और जब हम लोग धरती गर्म कर रहे हैं तो इससे इनकी दोस्ती टूट रही है, और जब इनकी दोस्ती टूट रही है तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आज निकल कर आ रही है बच्चों, ये आ रही है कि ये लगातार क्या हो रहे हैं, रंगहीन हो रहे हैं। यानी कि जो कोरल है वो अकेला पड़ जा रहा है, और जब कोरल अकेला पड़ रहा है तो इससे इनका पूरा का पूरा जो शरीर होता है ये रंगहीन दिखने लगता है। चलिए इसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रवाल विरंजन के अलावा यहाँ पे और एक जो समस्या है वो आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है। आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स होते हैं बच्चों, आर्द्र भूमियां भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से सूख रही हैं, या उनकी संख्या कम हो रही है, वेटलैंड्स इनको हम कहते हैं, तो इनको भी बचाना एक प्रकार का बड़ा कदम है। और इसको तो 1971 के आसपास, उसी साल 1972 में ही मीटिंग की गई थी, इस पर भी आगे चलकर यहां पर ये बात आ गई। तो ये भी एक प्रकार की समस्या, और इसके अलावा सबसे एक लास्ट समस्या जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वह जल प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण होगा, तो ये सारे के सारे जो प्रदूषण है वो इनमें आते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये हमारे इस यूनेप ने ये प्रमुख समस्याओं को बताया, और फिर इससे पूछा गया था जो आखिरी, कि क्या आपके पास इन सबका कोई एक समाधान है। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप ये बताओ कि इनका, इन सारी समस्याओं को हम एक तरीके से कैसे खत्म कर सकते हैं, या एक लाइन में हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, तो इसके लिए सिर्फ इन्होंने एक की टर्म बोला था, जो समाधान की अगर हम बात करें, इन सारी समस्याओं का समाधान है, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही शब्द में मिलता है बच्चों, और वो शब्द है सतत विकास। बहुत सारे आजकल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आपको नहीं रोका जा रहा है, लेकिन आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। अब ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कई नामों से जाना जाता है। जैसे हम इसको नाम से जानते हैं सतत विकास को, जैसे हम इनको नाम देते हैं कभी कभी धारणीय विकास, धारणीय विकास, या कभी कभी हम इनको नाम देते हैं संपोषणीय विकास, तो ये दोनों नाम भी अगर आपको पेपर में कहीं दिखे कि धारणीय विकास क्या होता है या संपोषणीय विकास क्या होता है, तो वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से कह लीजिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाना है तो सतत विकास को ही एक हथियार के रूप में यूज किया जा सकता है। आखिर ये सतत विकास है क्या? तो सतत विकास का पहले जो विचार था, ये विचार पहली बार, ये विचार पहली बार 1987 में एक कमीशन था जिसका नाम था ब्रेटलैंड आयोग, ब्रेटलैंड आयोग। इस कमीशन ने पहली बार यह कॉन्सेप्ट, तो ब्रेटलैंड कमीशन के बिहाफ पर या ब्रेटलैंड कमीशन के थॉट्स के बिहाफ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे नाम से लग रहा होगा कि सतत यानी लगातार विकास करना, तो बिल्कुल इसका मतलब लगातार विकास करना नहीं है बच्चों। सतत विकास का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर
विकास की रणनीति करना या बनानी, विकास की रणनीति बनाना। एक लाइन में हमने यहां पे डिफाइन कर दिया बिल्कुल इजी वर्ड में, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नथिंग, इट इज अ जस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन विच व्हेन वी गो फॉर डेवलपमेंट मेथड्स या गो फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस वी शुड कंसीडर अवर फ्यूचर जनरेशन। माइंड में अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन को कंसीडर करेंगे तो उन कंसीडर के आधार पे हम अपने आप इस बात से सचेत हो जाएंगे कि भैया इस काम से हमारे बच्चों को नुकसान होगा या आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान होगा। अगर हम जंगल काट रहे हैं तो जंगल काटने से क्या नुकसान है, मान लो हमारे ऊपर अभी तुरंत प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान। तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुला कर आपको यह ध्यान रखना है कि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें जब भी हम विकास के लिए रणनीति बनाएंगे उस रणनीति को बनाते समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज माइंड में रखना है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी या फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन का मतलब हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। तो अगर हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर किसके बारे में सोचेंगे, पर्यावरण तो बहुत दूर की चीज होगी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जब हम अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेंगे तो हमारा पर्यावरण बच जाएगा। और इसी इस सतत विकास में क्या क्या होना चाहिए, इस सतत विकास में क्या क्या होना चाहिए, इस सतत विकास से संबंधित लक्ष्य जो होते हैं या इस सतत विकास के जो लक्ष्य हैं या एक तरीके से कहिए कि इनके जो टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को 1992 के इसी मीटिंग में 1992 के प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था पेपर में, यूपीपीसीएस डीएसएसबी टीचर सारे में पूछता है एजेंडा 21। व्हाट इज एजेंडा 21? यूपीपीसीएस डीएसएसबी पुलिस किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा एजेंडा 21 है क्या, एजेंडा 21 का मतलब होता है सतत विकास के घोषित लक्ष्य या सतत विकास से, या ऐसे पूछ दे कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। एजेंडा का मतलब जैसे चुनाव होता है तो सभी पार्टियां अपनी एजेंडा जारी करती, एजेंडा में मतलब ये होता है कि वो अपने भावी लक्ष्यों को बताती है कि अगर आप हमको चुनाव जिताते हैं तो हम ये करेंगे। सतत विकास भी एजेंडा 21 यही है। सतत विकास कहता है कि अगर आप मेरे को सर्वाइव करोगे, अगर मेरे बताने के अनुसार अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी या इस तरीके से फायदे होंगे। या एजेंडा 21 एक तरीके से ऐसे कह लो कि कौन कौन से वो रास्ते हैं जिसपे चलकर हम पर्यावरण को बचाएं, इन सारी समस्याओं से बचें। तो एजेंडा 21 एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको हम यहां पर लिए हुए हैं। बच्चों ये आप जो हम लोगों ने यहां पे पूरा डिस्कशन किया, एक बार फिर से अगर ये डिस्कशन हम देखें जहां से हमने शुरू किया था, आपको समराइज यहां पे कर रहा हूं मैं। आप ये देखना कि क्रियाएं सबसे पहले हमने शुरू की थी आर्थिक, आर्थिक क्रियाओं में सबसे पहले हमने कहा कि जो आय कमाने के लिए हम जो भी काम करेंगे वो आर्थिक क्रिया होगी। शुरू में पर्यावरणीय जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं थी और प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहां पर फिर हमने जो आगे काम किया बच्चों वो देखा कि 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति आती है, नई नई मशीनें आती हैं, प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर की ओर मूव करते हैं और तमाम नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषित होना शुरू होता है, हानिकारक गैसें आनी शुरू होती हैं, नई नई बीमारियां महामारियां आनी शुरू होती हैं। इन सारी समस्याओं को
देखते हुए क्लब ऑफ रोम ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, और इसमें उसने बताया कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो ग्रोथ को लिमिट लगाओ। इस रिसर्च पेपर को पढ़कर पूरी दुनिया इकट्ठी होती है स्टॉकहोम स्वीडन में 5 जून 1972 में। इस दिन ये लोग एक लाइन निकालते हैं कि पावर्टी बड़ी प्रदूषण का कारण है, और कहीं ना कहीं पावर्टी अगर कम होगी तो प्रदूषण अपने आप कम होगा, पर्यावरण बचेगा, इसीलिए इंदिरा गांधी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस मीटिंग में इन लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस यूनेप का गठन किया। इस यूनेप को इन्होंने 3-4 समस्याएं दी कि भाई बताओ कौन पर्यावरण का मेन जिम्मेदार है, समस्या क्या क्या है और उसका समाधान क्या है। इस यूनेप ने इन सारी समस्याओं का हल 1992 के प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में दिया। ये सारी समस्याएं थी, लेकिन अगर आज के डेट में अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर एक चीज समझिएगा, अगर आज के डेट में हम ये बात करें कि पर्यावरणीय समस्याएं जितनी भी वहां दिख रही थी उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इसी जलवायु परिवर्तन से इंटरलिंक है सारी समस्याएं। अगर ये क्लाइमेट नहीं चेंज होता तो कोई समस्या नहीं होती, कोई मरता नहीं यानी जैव विविधता में कमी नहीं होती, ओजोन डिप्लेशन नहीं होता, एसिड रेन नहीं होता, तो सारी की सारी समस्याओं का जो जड़ है वो क्लाइमेट चेंज में है। तो अगर हम अपने क्लाइमेट चेंज को रोक देंगे तो अपने आप सारी पर्यावरणीय समस्याएं जो इतने डिटेल में अलग अलग हैं वो अपने आप जो है कि खत्म हो जाएंगी। इस दिशा में इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हर साल UNFCCC एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हर साल यह संस्था एक मीटिंग कराती है और इस मीटिंग को बच्चों बोला जाता है COP की मीटिंग। COP मीटिंग का मतलब होता है, COP मीटिंग का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो COP मीटिंग है इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस साल 2023 में भी, ये अभी जस्ट दिसंबर महीने में कंप्लीट हुई है COP की 28वीं बैठक, COP 28, दिसंबर 2023 में COP 28 कंप्लीट हुई है। और ये कहां पर कंप्लीट हुई है बच्चों? ये दुबई में कंप्लीट हुई है, दुबई। दुबई कहां पर है? UAE। तो जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में पेपर में बैठने वाले हैं वो इस लाइन को जरूर याद रखिएंगे कि जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक कहां हुई है इस साल? दुबई UAE में। 2024 में यह मीटिंग कहां होगी? 2024 में यह मीटिंग होगी अजरबैजान में बच्चों। अजरबैजान नाम का एक देश है, तो अजरबैजान में यह मीटिंग होगी COP 29 के नाम से। जो अगली क्लास हमारी आएगी बच्चों, अगली क्लास हम लोग जलवायु परिवर्तन पर ही लेकर आ रहे हैं, और उस जलवायु परिवर्तन के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकना है, और इस जलवायु परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया क्या कर रही है, इस जलवायु परिवर्तन से क्या नुकसान है, उन सारे एस्पेक्ट्स को, उन सारे डायमेंशंस को हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे। और इसके लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ये अगली वीडियो और भी आपके लिए लाभदायक होगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।